हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। सो ये सबनेटिंग का पार्ट नंबर 9 है, जहां पे मैं क्लास बी का VLSM करके दूंगा। मतलब क्लास बी में हम सबनेटिंग करेंगे, क्लास बी की हमारी कोई आईपी एड्रेस होगी और वो /24 से नीचे होगा, तो उसका हम नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एंड सबनेट मार्क, ये सारी चीजें हम निकाल के देखेंगे। एंड सबनेटिंग के पार्ट नंबर 8 में हमने डिस्कस किया है, क्लास बी का सबनेटिंग ही किया है, बट वहां पे हमने सिर्फ एक आईपी को किया था। अगर आपने पार्ट नंबर 8 को देखा होगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक आईपी पे डिस्कस किया है, मतलब जो क्लास बी से बिलोंग करता था हमने एक ही आईपी को लिया हुआ है। इस पार्ट में हम 3-4 आईपी के ऊपर और सबनेटिंग करेंगे, जिससे कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। आपको ये पूरा आ जाए किसका नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट एंड ब्रॉडकास्ट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां पे उस वीडियो में मुझे खुद पता है कि कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मैं उन्हीं चीजों को क्लियर करूंगा, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे यहाँ पे। सो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो एंड तक देखना है, एंड अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको बेस्ट नेटवर्क के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कोई एक आईपी लेते हैं, जैसे कि 172.15.17.18, ये हमने आईपी लिया। सो यहाँ पे हमें /24 के नीचे लेना है और /16 के ऊपर लेना है ना। तो हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं 19। अब हमारे पास ये आईपी एड्रेस है 172.15.17.18/19, तो इसकी प्रीफिक्स लेंथ क्या है हमारे पास /19। ओके, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि आप इसका नेटवर्क एड्रेस बताओ, है ना। नेटवर्क एड्रेस हमें बताना है, फर्स्ट आईपी एड्रेस बताना है, लास्ट आईपी एड्रेस बताना है एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है, और लास्ट में सबनेट मास्क भी हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एक आईपी दी गई है और प्रीफिक्स लेंथ गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे इसका नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ, प्लस सबनेट मास्क भी, तो इसका क्या होगा। तो हमें अगर ये सारी चीजें निकालनी है तो हमें उन स्टेप को याद करना पड़ेगा जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आई होप आपको पता होगा कि पहली स्टेप हमारी क्या है। वेरी गुड, पहली स्टेप है हमारी सबनेट मार्क्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबनेट मार्क्स निकालना है। तो यहाँ पे 19 का हमारा सबनेट मार्क्स क्या होगा, 255.255। यहाँ पे 16 बिट कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे 3 बिट और है, तो 3 पे हमारा कितना होता है, 224.0। ये हमारा क्या होगा, सबनेट मार्क्स होगा 19 का, है ना। इस प्रीफिक्स लेंथ का ये क्या होगा, सबनेट मार्क्स होगा। इसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, इसे हम सफिक्स भी बोलते हैं सबनेट मार्क्स को। ओके, सो अगर कोई सफिक्स कह रहा है तो घबराना मत, ये सबनेट मार्क्स ही हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है, और ये जो वैल्यू होती है स्लैश के बाद ये क्या होती है, हमारी प्रीफिक्स होती है, जैसे कि हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने सबनेट मार्क्स निकाल लिया है। अब सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, सेकेंड स्टेप में हमें ब्लॉक साइज बनाना है। ब्लॉक साइज क्या बनाना है, ब्लॉक साइज हमारा कैसे बनता है, हमेशा हम 256 से माइनस करते हैं उस वैल्यू को जो हमने चेंजेस किया है सबनेट मार्क्स में। तो देखो जो हमने 255 की जगह पे कुछ और लिख रखा है तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं ब्लॉक साइज में, है ना। जब हमने पार्ट नंबर 6 में डिस्कस किया है सबनेटिंग के, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपने मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके नहीं देखे होंगे, क्योंकि देखो मेरा सबनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले वाले पार्ट पे डिपेंड रहता है। क्या आप पहले उस पार्ट को देखिएगा तब ये वाला पार्ट समझ में आएगा आपको, है ना। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज मेरे सबनेटिंग के जितने भी वीडियोज हैं उनको देखो, तब इस पार्ट को देखो, तब ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, नहीं तो फिर आपका डाउट ही बना रहेगा, ये कहां से आया, 224 कहां से आया, 256 क्यों माइनस किया, ये सारी चीजें जो है छोटे छोटे से डाउट आपके बने रहेंगे।
तो जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आपको सबनेटिंग आएगी नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि होगा कैसे ये, है ना। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे दोस्त। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबनेट मार्क्स होगा। अब हमें क्या करना था, ब्लॉक साइज बनाना था। तो देखो यहाँ पे हमने बोला था कि जिस पार्ट में या सबनेट के जिस ऑक्टेट में हमारा 255 है, जितने भी ऑक्टेट में 255 है आईपी के, उतने ऑक्टेट में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे या कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हैं जहां पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं कर रखा है, एज इट इज यही लग रखा है 255.255। तो सेम आईपी के दो पार्ट में या दो ऑक्टेट में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज यही लिख देंगे। क्या जो लिखा हुआ है 172.15। अब हमने सबनेट मास्क के किस ऑक्टेट में चेंज किया है, थर्ड वाले में। किसमें किया है, थर्ड वाले। तो आईपी के किस ऑक्टेट को हम कंसीडर करेंगे या देखेंगे, थर्ड वाले पार्ट को। किसको देखेंगे हम, थर्ड वाले पार्ट को, है ना। और ये जो फोर्थ वाला पार्ट है वो तो अपने आप जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबनेट मास्क का जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, जीरो। तो ये जो आईपी का फोर्थ वाला पार्ट है या फोर्थ वाला ऑक्टेट है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हो कोई मतलब नहीं होता उसका, ये अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर सबनेट मार्क्स के फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, जीरो है। अगर थर्ड वाले पार्ट में जीरो होता तो ये भी जीरो हो जाता, है ना। सो यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाले पार्ट में जीरो है, तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा। हमें किसको देखना है, थर्ड वाले ऑक्टेट को या थर्ड वाले पार्ट को। तो ब्लॉक साइज हमारा कैसे बनता है, 256 से हम माइनस करेंगे 224 को, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 32, है ना। अगर 256 से हम 224 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 32। अब 32 का हमें क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, 0, 32, 64, और इसमें अगर हम और 32 ऐड कर दे तो हमारा कितना होगा, 96, है ना। कहां तक पढ़ना है, जहां तक ये वैल्यू हमारी उस ब्लॉक में मैच ना कर जाए, कौन 17। हमने थर्ड वाले ऑक्टेट को क्यों देखा, क्योंकि थर्ड वाले ऑक्टेट में हमने चेंज किया है, 255 की जगह हमने कुछ और लिख रखा है, तो हमने इसको ही देखेंगे, है ना। 17 को हमने देखा, तो 17 हमारे किस ब्लॉक के बीच में आ रहा है, 0 to 32 के बीच में। किस ब्लॉक के बीच में आ रहा है, 17 हमारा 0 to 32 के बीच में। तो 0 हमारा क्या है, एक नेटवर्क आईडी है, और 32 क्या है, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी है। सो इस आईपी एड्रेस का हमारे पास क्या आईडी होगा, मतलब ये जो हमारे पास आईपी एड्रेस गिवन है क्वेश्चन में हमें दी गई है, तो इस आईपी एड्रेस का अगर हम नेटवर्क आईडी पूछते हैं कि नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, तो इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, 172.15.0.0, ये इसका क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस होगा। अब फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, आप मुझे बताओ फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। मैंने पार्ट 8 में भी बताया है फर्स्ट आईपी एड्रेस हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा हमारा, 172.15.0.1, ये क्या होगा, इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा, है ना। जिसके लास्ट पार्ट में हमने एग्जांपल भी बताया था, जैसे आपके पास 0 और 3 है, है ना, इसमें हमें 1 ऐड करना है, तो हम कहां पे ऐड करते हैं, 3 के नीचे ऐड करेंगे, तो हमारा कितना होगा, 0, 4, है ना। ये वाला एग्जांपल भी बताया था मैंने उस वाले पार्ट में। तो ये इसका क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस। अब लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, तो हम उतना रेंज नहीं लिखेंगे जैसे कि हमने उस वीडियो में बताया था आपको कि पहले ये कंप्लीट होगा 255 तक जाएगा, फिर हम इस वाले में जंप करेंगे, फिर 1 का सीरीज चलेगा, फिर 2 का सीरीज चलेगा, 3 का चलेगा, ऐसी। तो हम सीधा लास्ट पे आते हैं, देखो यहाँ पे। तो अब इसका लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, जैसे कि 32 हमारा क्या है, 32 हमारा नेक्स्ट नेटवर्क है, तो इससे पहले क्या आता हमारा, 30 आता है ना, 31 आता है, 172.15.31.254, ये क्या होगा हमारा लास्ट आईपी एड्रेस, 172.15.31.255, ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट नेटवर्क हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 172.15.32.0, ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नेटवर्क। क्योंकि अगर थर्ड वाले पार्ट में हमारा 32 आता है तो 32 हमारा क्या है, नेक्स्ट नेटवर्क है। तो थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास 32 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा। ये इसका क्या है, नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट आईपी एड्रेस,
लास्ट आईपी एड्रेस एंड ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट 8 में, आप उसको देख लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो ये इसका क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस। देखो गाइज, मैं एक चीज और करूंगा, जब ये मेरा सबनेटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं एक लाइव क्लासेस चलाऊंगा। ओके, सबनेटिंग कंप्लीट होने के बाद एक मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा जिसमें आईपी और सबनेटिंग का जिसका भी जो डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, और मैं कुछ क्वेश्चन भी वहां पे करूंगा जिससे कि आपको और भी अच्छे से, अगर आईपी का किसी का भी डाउट होता है तो आईपी से भी पूछ सकता है, प्लस सबनेटिंग से भी पूछ सकता है मुझसे उस लाइव क्लासेस में। और मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा और आईपी के भी कुछ क्वेश्चन करूंगा और वहां पे मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा एक। सो आप ये सबनेटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद तैयार रहिएगा मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। ओके, सो ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नेटवर्क होगा। अब हमारे पास मान लो एक और हम कोई आईपी एड्रेस ले लेते हैं, तो हमने एक आईपी लिया 172.156 ले लो, और यहां पे लिख लो 1, 2, और 3, 8। ये हमने एक आईपी ले ली 172.156.12.38/22 ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसका सबनेटिंग करना है, और नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एंड सबनेट मास्क, यही सारी चीजें हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 22 है, तो सबसे पहले हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें सबनेट मार्क्स निकालना है। तो 22 का सबनेट मार्क्स हमारा क्या होगा, 255.255। अब 16 बिट के आगे कितना है, 6, 252.0। ये हमारा क्या होगा, सबनेट मार्क्स होगा 252.0, और अगर हम 256 से माइनस करते हैं 252 को तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। अब 4 का हमें क्या पढ़ना है, 4 का पढ़ना है हमें टेबल, कैसे पढ़ना है, 0, 4, 8, 16 और 16 आएगा 12, 16, है ना। आप देखो यहां पे कितना है हमारा, क्योंकि थर्ड वाले पार्ट को देखना है, जैसे कि हमें पता है कि थर्ड वाले पार्ट में हमने चेंजेस किया है सबनेट मार्क्स के, तो हम किसका देखेंगे, थर्ड वाला पार्ट देखेंगे आईपी का। तो थर्ड वाले पार्ट में कितना है हमारा, 12। तो 12 एक खुद नेटवर्क आईडी है, 12 किसके बीच में आ रहा है, 12 टू 16 के बीच में 12 हमारा क्या है, एक नेटवर्क एड्रेस है। सो ये क्या हो जाएगा इसका, सो इस आईपी का नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, 172.156.12.0। ये हमारा क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस। फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 172.156.12.1। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा। ओके, अब देखो 16 हमारे क्या है, नेक्स्ट नेटवर्क है, तो लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 172.156.15.254 और 172.156.15.255। ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, और नेक्स्ट नेटवर्क हमारा क्या होगा, 172.156.16.0। ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नेटवर्क होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ये 15.254, 15.255, थोड़ा बहुत डाउट है आपको समझ में नहीं आया, तो आप एक चीज को याद कर लो, जैसे कि यहां पे ये 12 टू 16 के बीच में आ रहा है, तो 16 से एक नंबर माइनस कर दो, जो भी यहां पे आ रहा है नेक्स्ट नेटवर्क हमारा जो भी है उससे एक नंबर माइनस कर दो, तो यहां पे कितना किया मैंने, 15 कर दिया। ओके, और लास्ट में 254, 255 जरूर लगाना, 254 वाला होगा हमारा लास्ट आईपी एड्रेस और 255 वाला होगा ब्रॉडकास्ट, ये हमेशा आएगा ही आएगा 254 और 255। अगर स्लैश 24 से नीचे कोई भी प्रीफिक्स लेंथ है तुम्हारे पास तो ये 254 लास्ट होगा, 255 हमारा ब्रॉडकास्ट होगा, बस आपको एक माइनस करना है जो नेक्स्ट नेटवर्क है। जैसे इस केस में भी यही हुआ है, देखो
32 था, 32 से एक माइनस कर लो, 31, 254 लास्ट, 256 ब्रॉडकास्ट होगा हमारा, या तो इस ट्रिक को याद कर लो, ये हमेशा ऐसे ही होगा तुम्हारा। ओके, सो आई होप ये आपको सारा चीज समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मैं एक आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करूं सबनेटिंग का और आईपी एड्रेस का। आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आप एक लाइव सेशन कीजिएगा, जहां पे आपके अगर कोई आईपी का डाउट होता है, कोई सबनेटिंग का डाउट होता है, तो आप मुझसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपका रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर मुझे रिक्वायरमेंट है एक लाइव क्लासेस की, तो मैं यहाँ पे फिर सेटअप लगाता हूँ अपना, क्योंकि यहाँ पे मैं गांव में रहता हूँ तो थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है अभी इस टाइम पे, है ना, तो मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा सही से, नेटवर्क वेटवर्क देखना पड़ेगा। तो अगर कमेंट बॉक्स में आते हैं आपको चाहिए लाइव क्लासेस तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास ए का करके देखेंगे, क्लास ए का VLSM हमारे पास कैसे होता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।